नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरुथी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हिंदी में ही आपको बता दूं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अब ये पहले नंबर पर आ रहा है और सफ़ेद रंग का है तो इसको इसलिए पहला सफ़ेद बोलेंगे। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर है तो दूसरा सफ़ेद, उसके बाद ये तीसरे नंबर का सफ़ेद है तो तीसरा सफ़ेद, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा, यानी कि जो हमारे सात स्वर हैं सारे गामा पधनी, ये अगर हम पहले सफ़ेद से माने तो यहाँ से हम देखें कि ये सा हो गया पहला सफ़ेद, रे हो गया दूसरा सफ़ेद, ग तीसरा सफ़ेद, चौथा सफ़ेद म, पांचवा सफ़ेद प, छठा सफ़ेद ध और सातवा सफ़ेद नी। अब ये ऐसा फिक्स नहीं है कि ये जो चौथा सफ़ेद है ये म ही होगा या दूसरा सफ़ेद रे ही होगा, बस मैं अभी आपको इसके हिसाब से बता रहा हूँ। मगर सारे गामा पधनी सा यहाँ से कहीं से भी बजाया जा सकता है, मगर ये जो भी मेन आ रहा है तो इसके हिसाब से ये पहले नंबर पर है, इसलिए पहला सफ़ेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा, यानी कि जो सातवां सुर आ रहा है यहाँ तक ये हो गए सात सफ़ेद। अब इसके बीच में आप देख रहे हैं कि इन सात सफ़ेद कीज़ यानी कि सप्तक के अंदर यहाँ पर कुछ काले रंग के कीज़ भी हैं। तो जिस तरीके से पहले नंबर पर ये बटन था और सफ़ेद है तो अब ये इसलिए हमने इसको पहला सफ़ेद बोल दिया, उसी तरीके से इसके बाद यानी कि हारमोनियम में जो सबसे पहले नंबर का जो काला बटन आ रहा है इसको हम पहला काला बोल देंगे। बहुत सिंपल है। तो एक काले रंग के हैं तो इसको हम नंबर के हिसाब से बांट देंगे, ये पहले नंबर पर है तो पहला काला, दूसरे नंबर पर है तो दूसरा काला, ये तीसरा काला, चौथा काला, पाँचवा काला। तो अब ये एक सप्तक के अंदर कितने हो गए, यानी कि सात सफ़ेद हो गए एक सप्तक के अंदर और पाँच काले हो गए। तो उसी तरीके से जैसे कि एक सप्तक में सात सफ़ेद और पांच काले हो गए हैं तो अगले सप्तक में भी सेम ही होगा, क्योंकि इसमें हर एक सप्तक में 12-12 स्वर हैं। अब मैं इसको प्रॉपर बोल सकता हूँ पहला काला दूसरा काला, तो पहले काले से जो पहला सफ़ेद आ रहा है यहाँ से सप्तक शुरू होता है। यहाँ पर भी देखिए, तो अब यहाँ पर आपको हमेशा नोटिस करना है कि जहाँ पर भी दो काले तीन काले, दो काले तीन काले, इस तरीके से पूरा डिज़ाइन है, तो जहाँ पर भी दो आ रहे हैं ये हमेशा पहला काला दूसरा काला, यहाँ पर भी दो एक साथ तो ये भी पहला दूसरा काला, और ये भी दो एक साथ है तो ये भी पहला काला दूसरा काला ही है, और ये जो तीन तीन के जो सेट जा रहे हैं ये हमेशा तीसरा काला चौथा काला पांचवा काला, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, बस यहाँ पर अलग अलग ऑक्टेव में यानी अलग अलग सप्तक के हिसाब से आ रहे हैं। जैसे कि ये हो गया मंद्र सप्तक का पहला काला, क्योंकि ये मंद्र सप्तक है तो मंद्र सप्तक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वैसे सफ़ेद में भी मंद्र सप्तक का पहला सफ़ेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। उसके बाद ये आ गया मध्य सप्तक, तो मध्य सप्तक के अंदर भी सेम है, क्योंकि अब यहाँ से मध्य सप्तक शुरू हो रहा है तो ये मध्य सप्तक के हिसाब से मध्य सप्तक का पहला सफ़ेद माना जाएगा। तो यहां पर भी सेम, मध्य सप्तक का पहला सफेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, और मध्य सप्तक का पहला काला, दूसरा काला, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेम यहां पर भी यही आ जाएगा। अभी हो जाएगा तार सप्तक का, देखिए तो अभी हो गया तार सप्तक का, तो तार सप्तक का पहला सफेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, और तार सप्तक के ही पांचों काले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे या मैं ही अगर आपसे पूछूं कि आपको मध्य सप्तक का तीसरा काला प्रेस करना है कि बतानी है कौन सी है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक मंद्र सप्तक के अंदर पांच काले आ गए, तो अब जो अगले पांच काले हैं वो मध्य सप्तक के अंदर है, तो अब मैंने आपको बोला मध्य सप्तक का तीसरा काला, तो मध्य सप्तक तो ये है, तो मध्य सप्तक का जो पहला काला होगा वो ये, दूसरा ये, और तीसरा हो जाएगा ये, तो मध्य सप्तक का तीसरा काला हो गया ये वाला। अगर मैं बोलूं कि तार सप्तक का पहला काला, तो तार सप्तक यहाँ से लेके यहाँ तक है तो तार सप्तक का पहला काला हुआ ये, तो और अगर अब मैं बोलूं कि मंद्र सप्तक का पांचवा सफेद, तो अब आप कैसे देखेंगे, मंद्र सप्तक यहां से शुरू होता है, सबसे पहला सफेद ये है, तो पांचवा नंबर देख लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये हो गया हमारा मंद्र सप्तक का पांचवा सफेद। तो यहां पर बस इतना ही है कि तीन ऑक्टेव हैं मगर नाम सबके ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, जो एक ऑक्टेव में 12 स्वर के नाम रहेंगे वही अगले ऑक्टेव में भी 12 स्वर के नाम रहेंगे, बस अलग अलग ऑक्टेव हैं अलग अलग सप्तक के, तो अलग अलग सप्तक के हिसाब से उसको बुलाया जा रहा है। जैसे कि अभी मैंने बजाया था सारे गामा पता नहीं जो बजाया था, तो मैंने ये कहा था कि इनको हम नेचुरल नोट्स बोलते हैं वेस्टर्न लैंग्वेज के हिसाब से, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिसाब से इनको हम शुद्ध स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर सात जो स्वर है वो शुद्ध हो गए, मगर उसके अलावा ये जो बाकी बटन आ रहे हैं इनको हम क्या क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली अब एक सप्तक के अंदर स्वर कितने आते हैं, 12। अब अभी हम सप्तक के हिसाब से बात करें तो सप्तक के अंदर ये सात स्वर तो पहले से ही बिल्कुल फिट हो चुके, जो आप सुनते ही आ रहे हैं, जो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, सारे गामा पधनी, तो ये हो गए शुद्ध। इसके अलावा ये जो पांच स्वर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, पांच स्वर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इनको बोलते हैं विकृत स्वर।
अच्छे से आप इसको याद करें, लिख भी लीजिएगा कि एक सप्तक के अंदर 7 शुद्ध स्वर होते हैं और ये जो 5 बचे हैं ये 5 होते हैं विकृत स्वर। अब विकृत स्वर के अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं कोमल स्वर और एक होते हैं तीव्र स्वर। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत। 5 विकृत के अंदर भी कोमल और तीव्र की एक कैटेगरी आती है, ठीक है। अगर मैं वेस्टर्न के हिसाब से बात करूं तो ये जो शुद्ध स्वर है इसको वेस्टर्न के हिसाब से नेचुरल नोट्स कहा जाता है, और जो कोमल स्वर है, जो कोमल एक जो मैंने नाम लिया उसको फ्लैट नोट्स कहा जाता है, और जो तीव्र जो मैंने नाम लिया उसको शार्प बोला जाता है। तो देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिसाब से जैसे 7 स्वर शुद्ध हो गए सारे गा मा पा ध नि, और ये जो 5 विकृत हैं जिसमें अलग तरीके से भी गाया जा सकता है, इसको अलग तरीके से सुना जा सकता है, सुनाया जा सकता है, जिसमें से 4 होंगे कोमल, 4 को कोमल का नाम दे दिया गया है और 1 को तीव्र का नाम दे दिया गया है। तो जो कोमल स्वर है वो है रे ग ध और नी, और जो तीव्र स्वर है वो है म का सिर्फ। अब देखिए कोमल और तीव्र साउंड कैसे करते हैं और ये बेसिकली होते क्या हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना ही कि कोमल स्वर जो है वो किस किस के हैं, रे ग ध और नी। तो यहां पर क्या हो गया कि रे ग ध नी ये शुद्ध स्वरों में भी आते हैं, मगर कोमल में भी आए। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि, तो इसका मतलब है कि ये चारों स्वर जो शुद्ध में है उससे थोड़ा अलग स्वर में भी बजाए जा सकते हैं। तो अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जितने भी कोमल स्वर होते हैं वो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि रे ग ध नि ये चारों के कोमल हो सकते हैं, यानी कि सबसे पहला आ गया रे। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं कि ये सा है और ये आपका शुद्ध रे, तो शुद्ध रे और कोमल रे अब यहाँ पर 2 अलग अलग नाम आ गए हैं। तो जाहिर है कि ये दोनों शख्सियत अलग अलग हैं, इन दोनों के स्वर अलग हैं। तो जितने भी कोमल स्वर होते हैं वो अपने शुद्ध स्वर से जस्ट 1 पहले वाले स्वर पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये शुद्ध रे है सा, ये सा, फिर ये शुद्ध रे, और अगर मैंने बोला कि आपको कोमल रे बजाना है तो आप सीधे तरीके से इस शुद्ध रे से पहले वाला जो भी आ रहा है कि इससे पहले ये नहीं है, इससे पहले ये है, क्योंकि इससे पहले ये तो सा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में यानी कि इस रे से जो पहले वाला आ रहा है तो ये हो जाएगा कोमल रे। उसी तरीके से अगर जैसे मैंने आपको बताया कि रे ग ध नि कोमल, चारों को कोमल किया जा सकता है और होता है, तो अगर मैं बोलूंगा कि ग कोमल करना है तो आपको मालूम है कि शुद्ध स्वर के हिसाब से सा रे ग ये शुद्ध ग हो गया, तो इसका जो कोमल ग होगा वो होगा इससे पहले वाला, जाहिर है। तो उसी तरीके से ध और नी का भी कोमल हो सकता है, तो अगर मैं बोलूंगा ध कोमल कौन सा है तो आप सबसे पहले चेक करेंगे शुद्ध वाला, सा रे ग म प ध, तो ये शुद्ध ध हुआ, तो इसका कोमल कौन सा होगा, इससे 1 पहले वाला। उसके बाद ये इसके आगे वाला है शुद्ध नी, तो नी का कोमल कौन सा होगा, इससे 1 पहले वाला। तो अब देखिए ये पहला काला जो है ये रे की वैल्यू यहाँ पर आ गई, इस ग से पहले कोमल ग की वैल्यू आ गई, ध से पहले इस वाले काले की भी वैल्यू आ गई, नी से पहले इस वाले काले की भी वैल्यू आ गई, तो ये वाला जो काला बटन है ये रह गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोमल स्वर जितने भी होते हैं वो शुद्ध स्वर से पहले होते हैं, और जो तीव्र स्वर होता है वो हमेशा ही शुद्ध स्वर के एक बाद वाला होता है, और इसमें तीव्र स्वर सिर्फ 1 ही माना गया है क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में, जो कि है म का, जिसको हम तीव्र म के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि कोमल स्वर पहले होता है और तीव्र स्वर बाद में होता है, तो देखिए सा रे, रे से पहले हो गया रे कोमल, उसके बाद फिर ग, अगर ये शुद्ध है तो ग का ये कोमल हो गया, उसके बाद जब ये म आता है तो म का तीव्र अगर होगा तो म का जो तीव्र है वो इससे 1 आगे वाले की को माना गया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि तीव्र स्वर आगे होते हैं, तो सिर्फ 1 म का ही तीव्र माना गया। तो शुद्ध म के बाद वाला, अब ये वाला नहीं जाएंगे क्योंकि इस म के बाद अगर हम ये वाला की प्रेस करेंगे तो ये प हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में ये जो ये वाला काला बटन आ रहा है तो शुद्ध म से बिल्कुल अगले वाला ये हो गया तीव्र म। तो इस तरीके से ये 7 शुद्ध हमारे हुए, 4 कोमल हुए और 1 तीव्र हो गया। तो अब मैं आपको प्रॉपर अगर इसके नाम बताऊं तो देखिए कैसे बोलेंगे, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म या शुद्ध म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी,
देखिए अब सबकी वैल्यू निकल के आ गई, ये वही सांस है, लेकिन नी तक का एक प्रॉपर ऑक्टेव यानी कि सप्तक पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये जो 12 स्वर आ रहे हैं इन सबकी वैल्यू निकल के आ गई है कि हम इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस तरीके से बुलाते हैं। इस तरीके से ये हो गया मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक के हिंदी के अनुसार नाम। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे से जो भी वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको उसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि ये जाहिर है कि मुझे भी पता लगेगा कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई और आपका प्यार देखने को मिलेगा जिससे मुझे और अच्छा काम करने की मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।